हाय फ्रेंड्स, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितने सारे शेर, और इस जंगल में ये दो शेर अगर लड़ पड़े तो सोचिए क्या होगा। लड़ेंगे भिड़ेंगे और क्या, शिकारी के मजे हो जाएंगे। अब इससे पहले कि ये दोनों शेर समझ पाए, शिकारी की गोली का शिकार हो जाएंगे। ऐसे ही बॉलीवुड के दो शेर आपस में भिड़ गए हैं, वो हैं सलमान और संजू बाबा। यस, क्योंकि सलमान से रूट कर अब संजू बाबा ने शाहरुख से आंख मिलाई है। हुआ कुछ यूं है कि मान्यता की बर्थडे पार्टी में वी टाउन के बहुत सारे स्टार्स इन्वाइटेड थे, जिसमें ऋतिक रोशन, अर्जुन रामपाल और सलमान वगैरह वगैरह वगैरह। जबकि सलमान का कहना है कि इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इस पार्टी में वो इनवाइटेड थे। क्यों भाई, कैसे? इट्स अ गुड क्वेश्चन, यू नो, कैसे जब वो इनवाइटेड नहीं थे तो इतना हंगामा क्यों हुआ वहाँ पर? तो हुआ कुछ यूँ कि मान्यता की बर्थडे पार्टी में जब सलमान पहुँचे तो वो ऑलरेडी टोन थे और जरीन के साथ वो वहाँ पहुँचे थे। आगे उन्होंने सबसे पहले मान्यता और संजय के साथ बड़ी रूडली बात की, यहाँ तक कि उन्होंने मान्यता को नहीं कहा भाभी, और इसी बात ने सबसे ज्यादा घुमाई संजू बाबा के भेजे की चाबी। अब बंटी वालिया से तो ऑलरेडी उनका झगड़ा चल रहा था, लगे हाथों कुमार गौरव को भी आड़े हाथों ले लिया उन्होंने, और ये कह डाला कि भाई क्या दूसरी लड़कियों को लॉन्च कर रहे हो स्टारडम के लिए, क्यों नहीं अपनी लड़की साची को भी लॉन्च करते। इससे कुमार गौरव भड़क उठे, आई शपथ, इससे पहले कि मामला बिगड़ता, प्रशांत और रोहित ने दिखाया सलमान को बाहर का रास्ता। अब आप समझ गए ना मैं किस शेर की बात कर रही हूँ, कौन था यहाँ शेर और कौन था यहाँ शिकारी। तो माय डियर फ्रेंड्स, बॉलीवुड के इस जंगल में लड़ भिड़ के मरने की अब किसकी है अगली बारी, ये बताने की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि कोई भी खबर मेरी नज़र से नहीं छूटी। यही तो है रूबी की खूबी, बिकॉज यू नो वेरी वेल, इट्स रूबी अनसेंसर्ड।